आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे इस्लाम में बहन बेटी का दर्जा क्या है। बेटियां हमारे लिए अल्लाह की रहमत और नियामत है, लेकिन अफसोस आज दुनिया ने अपने गलत ख्यालों और रस्मों की वजह से उन्हें अपने लिए मुसीबत समझ लिया है। इस्लाम ही दुनिया का वाजिब मजहब है जिसने माँ बहनों और बेटियों की इज्जत अफजाई की और उनकी परवरिश, तालीम और तरबियत और खिदमत पर पूरी दुनिया और आखिरत की बशारतें सुनाई हैं। लेकिन आज की न्यू जनरेशन में आज उन्हें पैदा होने से पहले ही मारकर उन्हें जीने के हक से महरूम किया जा रहा है, जिसकी खबरें हम आए दिन सुनते ही रहते हैं। आइए इस माहौल में हम पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम रहमत सुने और अपनी इस्लाह की कोशिश करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है, एक दिन एक खातून और अपनी दो बच्चियों को लेकर मेरे पास आई। मैंने उसे तीन खजूरें दी, उसने एक एक खजूर अपनी दोनों बच्चियों को दे दी और शायद एक अपने पास रख ली। दोनों बच्चियां वो खजूरें खा ली तो उस औरत ने अपनी खजूर दोनों बच्चियों को दे दी। उनकी ये बात जब मैंने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आपने फरमाया, अल्लाह ने उन दोनों बच्चियों की वजह से उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी है और उसे जहन्नम से आज़ाद कर दिया है। देखा आपने, बेटी की मोहब्बत की बदौलत माँ जन्नती बन गई। इस्लाम ने किस कदर बच्चियों और औरतों का मर्तबा बढ़ाया है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दो बेटियाँ हो जब तक उसके पास रहे वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, उनकी अच्छी तालीम और तरबियत करे, उनका अच्छी जगह निकाह कराए तो वो बच्चिया उसे जन्नत में ले जाएगी। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दो बच्चियाँ या बहनें हो जब तक वो उसके पास रहे वो उनकी अच्छी तरह परवरिश करे तो ऐसा आदमी जन्नत में दाखिल होगा। आज दुनिया जिसे अपने लिए बोझ समझ रही है, जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जिसे बेटों से कम समझा जा रहा है, जिसे उसके हक से महरूम किया जा रहा है, उसी बहन बेटी की तालीम व तरबियत और परवरिश करने वालों को जन्नत की बशारत सुनाई जा रही है। ऐसा हुक्म व ताकीद दुनिया के किसी और मजहब ने नहीं दी है और ख़ुद पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटियों से बेमिसाल प्यार फरमाकर दुनिया वालों को बेटियों से प्यार करने की तालीम दी है। खुदा के लिए बहन बेटियों को बोझ न समझें, बल्कि उन्हें अपने लिए अल्लाह की रहमत मानें। एक और हदीस में अल्लाह के प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी तीन बेटियों की परवरिश अच्छी तरह की वो जन्नत में मेरे इतने करीब रहेगा जैसे हाथ की दोनों उंगलियां। ऐसे आदमी को दिन में रोज़ा रखने और रात में नमाज पढ़ने वाले मुजाहिद जैसा सवाब मिलेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है, अल्लाह के प्यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना कि जिसके एक बच्ची हो वह उसे ज़िंदा दफन ना करे बल्कि उसकी अच्छी तरह परवरिश करे, उसे बेटों से कम न समझे। अल्लाह पाक ऐसे बाप को जन्नत में दाखिल फरमाएगा। एक और हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का बयान है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके तीन बच्चियां हो और वो गरीब होने की वजह से उनकी तरबियत और परवरिश में उसे परेशानियां उठानी पड़े और यह उन सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए सब्र से काम ले, अल्लाह पाक बच्चियों के साथ प्यार भरा बर्ताव करने की वजह से उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे इस्लाम से मुतल्लिक कोई और मालूमात को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।